नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में करवाएं भर्ती। कलेक्टर चंद्र कुमार ने वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए अंतर विभागीय समन्वय बैठक में दिए निर्देश। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद दीपक बैज ने कहा, विकास कार्यों का निर्माण गुणवत्ता युक्त हो। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी की मान्यता और प्रबंधन हेतु संभाग स्तरीय परिचर्चा में कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा, योजना का लाभ पात्र हितग्राही को मिले। वहीं कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा, वनों को संरक्षित करना हम सबका दायित्व। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों का मांगा समर्थन। और हम है सुपरस्टार प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन का सांस्कृतिक महाकुंभ। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद दीपक बैज ने कहा कि विकास कार्यों का निर्माण गुणवत्ता युक्त हो, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करे। साथ ही उन्होंने मौसमी बीमारियों के नियंत्रण और डेंगू मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू सहित समिति के अन्य सदस्य और कलेक्टर चंदन कुमार, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, संचालक कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान गणवीर धर्मशील सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वस्थ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना, शहरी स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के कार्य, महिला एवं बाल विकास अंतर्गत पूरक पोषण आहार एवं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं योजनाओं में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की आगामी कार्य योजना और प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने अपने अपने सुझाव और प्रस्ताव दिए। सभी अतिथियों ने प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों में DMF मद से विकास कार्य करने की बात कही। कार्य योजना में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, जिले के अन्य विकासात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों और भौतिक अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों पर चर्चा कर सहमति दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में पुलिस और परिवहन विभाग के कार्यों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर चंदन कुमार ने वेक्टर जनित रोग के सघन प्रभावित क्षेत्रों में रोगों के होने के कारण और बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जागरूकता अभियान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय के साथ दवाइयों का छिड़काव, बीमारियों के सोर्स की जांच कर नियंत्रण करने को कहा। साथ ही लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाए। कलेक्टर श्री कुमार ने आज शनिवार जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में नगर निगम, राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत और पशुधन विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने डेंगू मलेरिया के लिए शहर के सभी वार्डों में निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त टीम को समय पर समन्वय कर दवाई का छिड़काव, डोर टू डोर जांच, टेस्ट किट के माध्यम से त्वरित जांच, फॉगिंग मशीन से दवाई छिड़काव के साथ साथ जागरूकता के लिए पैम्पलेट्स का वितरण और कचरा वाहन में जिंगल्स का भी प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जापानी बीमारी के नियंत्रण के लिए JE का टीकाकरण सप्ताहवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्य को पूरा करने के सेक्टर प्रभारी चिकित्सकों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों में नलकूप के पास जल भराव, निर्माण स्थल में स्थिर पानी वाली जगहों में दवाई छिड़काने और पानी की टंकी और बोरवेल में क्लोरेशन करवाने के निर्देश PHE विभाग के अधिकारियों को दिए। जापानी इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण हेतु सुकर और बतख पालक किसानों को प्रेरित कर कुछ दिनों के लिए पशुओं को घर से 300 मीटर की दूरी पर रखने की अपील करने को कहा। ग्रामीणों को मच्छरदानी का उपयोग और स्वच्छता का माहौल बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए।
कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग मिलकर टीकाकरण कार्य में अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और स्वास्थ्य विभाग जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाएं, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य समिति को टीकाकरण के लिए सक्रिय भी करें। कमिश्नर श्री श्याम धावड़े ने जिला कार्यालय जगदलपुर के प्रेरणा हॉल में आयोजित सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों की मान्यता और प्रबंधन की संभाग स्तरीय परिचर्चा आयोजित में कहा कि संभाग के सभी जिलों के दौरे में वे महसूस किए हैं कि वन अधिकार मान्यता प्राप्त के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है। वनों पर आश्रित वनवासी को FRA कानून के प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना आवश्यक है। इस योजना लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलना चाहिए। साथ ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों की मान्यता और प्रबंधन के संबंध में सीमा विवाद की स्थिति का निराकरण राजस्व, वन और पंचायत विभाग के मैदानी अमलों के द्वारा किया जाए। इस कार्यशाला में पहुंचे सभी समाज प्रमुख, वन ग्राम समिति के सदस्य कार्यशाला में सीखकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिलाने का प्रयास करें। कार्यशाला में कलेक्टर चंद्र कुमार ने कहा कि वनों को संरक्षित करना हम सबका दायित्व है। CFRR के लिए ग्रामीणों से मांग आनी चाहिए, किंतु जागरूकता की कमी से ग्रामीण इस कानून का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही कुछ मामले अधिकारों का दुरुपयोग का भी आया है। जंगल में सामुदायिक अधिकार हैं, जंगल के सभी वनोत्पाद सभी का हक है, इसीलिए वनों को संरक्षित करना भी जरूरी है। वन अधिकार मान्यता प्राप्त के प्रावधानों के तहत हितग्राही को देने के मामले में वन अधिकार समिति को सजग होना जरूरी है, जिसमें बस्तर संभाग और जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का अमल की स्थिति, चुनौतियाँ, CFRR के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन, CFRR दावा निर्माण और अनुमोदन की प्रक्रिया में वेब GIS और मोबाइल ऐप की उपयोगिता, सीमा विवाद क्षेत्र का प्रबंधन, आजीविका विकास के लिए लघु वनोपज और CFRR के क्रियान्वयन पर परिचर्चा की गई। कार्यशाला में ATEEE बैंगलोर डॉ. शरचंद्र लेले, डॉ. श्रुति मोकाशी, डॉ. वेंकट रामानुजन सहित अन्य प्रशिक्षक उपस्थित थे। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आई लौटते हैं खबरों की ओर। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होने वाली वोटिंग में NDA की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से भाजपा पदाधिकारी समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा पूर्व बस्तर सांसद और आदिवासी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने नारायणपुर विधानसभा के विधायक चंदन कश्यप से मिले और उनसे मिलकर उनसे प्रथम आदिवासी महिला को
राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन देने की मांग की। इस दौरान दिनेश कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज के विधायकों और सांसदों से मिलकर वे समर्थन मांगेंगे। यह समय आदिवासी समाज के सभी विधायकों और सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर द्रौपदी मुर्मू को एकता का परिचय देते हुए अमूल्य मत देने का अवसर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और जगदलपुर विधायक चुरेकचंद जैन से भी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन मांगा। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता हम है सुपरस्टार का भव्य आयोजन 16 और 17 जुलाई को किया जा रहा है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकल नृत्य, एकल लोक नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन, स्टैंड अप कॉमेडियन, एकल वादन प्रतियोगिता, मिस्टर महेश्वरी और मिस महेश्वरी, दिव्यांग महेश्वरी सुपरस्टार के प्रतियोगिता में हो रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रथम दिन प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रदर्शन देकर उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। प्रदेश के सभी स्थानीय स्तरों पर प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश से 160 प्रतिभागियों का चयन हुआ है और प्रदेश के सभी संगठनों से मिलाकर 350 से अधिक सामाजिक सदस्य उपस्थित हो रहे हैं।
डीटी बैनर्जी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज जगदलपुर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीत गांव बकावन में वृक्षारोपण अभियान 2022 के तहत विभिन्न प्रकार के करीब 500 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं अन्य पद के कुल 75 कर्मियों के साथ साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीत गांव बकावन के प्रधान आचार्य लुप्तेश्वर आचार्य रीना दास, उप प्राचार्य रामानुजन आचार्य, जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत बकावन डमरू नागेश, SMD शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीत गांव बकावन मोहम्मद अकबर खान, NSS प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना मुन्नेश्वर बघेल, सरपंच करीत गांव के साथ साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीत गांव बकावन के कुल 16 शिक्षक और शिक्षिकाएं, 200 छात्र छात्राएं और गांव के लोग ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण के इस अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर प्रत्येक छात्र छात्राओं और गांव के लोगों द्वारा एक एक वृक्ष गोद लिया गया है और उनकी देखभाल हेतु शपथ भी ली गई। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में करवाएं भर्ती। कलेक्टर चंद्र कुमार ने वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए अंतर विभागीय समन्वय बैठक में दिए निर्देश। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद दीपक बैज ने कहा, विकास कार्यों का निर्माण गुणवत्ता युक्त हो। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी की मान्यता और प्रबंधन हेतु संभाग स्तरीय परिचर्चा में कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा, योजना का लाभ पात्र हितग्राही को मिले। वहीं कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा, वनों को संरक्षित करना हम सबका दायित्व। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों का मांगा समर्थन। और हम है सुपरस्टार प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन का सांस्कृतिक महाकुंभ। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।